नोएडा के सेक्टर 50 में दबंगों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने मुफ्त का खाना नहीं मिलने पर रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान दबंगों ने रेस्टोरेंट प्रबंधक समेत कर्मचारियों को भी पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रवीण नाम का शख्स रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा था। इसी दौरान आरोपी ने खाने का बिल देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उसके कर्मचारियों से जमकर बहस हुई, जिसके बाद आरोपी ने अपने एक दर्जन साथियों के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचकर जमकर मारपीट की। ये घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो मैंने बोला कि सर ऐसा है, मैं आज पूरा खाना मतलब खाना तो दे दूंगा, लेकिन आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कह रहा है, वो अपने उनसे लड़के ने उस अपने फ़ोन से प्रवीण भारद्वाज को फ़ोन लगाया और मेरे से बात करवाई। वो कह रहे हैं भैया पैसे तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है, तो तुम्हें खाना तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर तुमसे तुम झेलना, जो भी बुरा होगा तुम झेलना फिर। तो मैंने बताया कि सर ठीक है, ऐसा कर लीजिए जैसे भी है, मतलब मेरे को तो पूरा पेमेंट चाहिए क्योंकि मैं हूँ नौकर आदमी, सीधी सी बात है, मेरे पैसे तो कटवाऊंगा नहीं। तो वो क्या हुआ, उसके 10-15 मिनट बाद कम से कम 10 से 15 लड़के आए, ठीक है, हाथ में उनके डंडा वंडा था, रॉड था, कुछ हमारे यहाँ से स्टिक उन्होंने छीन के लिया, प्लस उनके पास पिस्टल भी थी। तो काफ़ी डंडे से मेरे सर पे मारा है, मेरे स्टाफ को भी मारा गया है, बाहर जाके ही मारा उनको, ठीक है, बहुत नुकसान भी किया मेरे स्टोर में। और मेरे को मतलब बिटवीन से ये ले लीजिए कि मेरे पास पूरी बंदूक चढ़ा दी थी। फिलहाल रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने एक नामजद समेत 15 लोगों के खिलाफ सेक्टर 49 कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। नोएडा से आकाश गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।